जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार कंप्यूटर टेक संजय में। आज हमारा सोनबा टाइपिंग का डे 7 है, अर्थात क्लास 7वां दिन है। तो इसमें हम 7वें पार्ट का अध्ययन करेंगे, ठीक है। जानेंगे कि अपना जो टाइपिंग का स्पीड है वो कैसे बढ़ाए, ताकि आप किसी भी प्रकार के सरकारी या गैर सरकारी एग्जाम को क्वालिफाई करने में आपको मदद करे। क्योंकि जो भी टाइपिंग होता है वो अपने आप 30-35 मांगता है, लेकिन मैं आपका जो टाइपिंग स्पीड है कम से कम 60 कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए सोनबा टाइपिंग पे आते हैं। इसको कैसे मैं ओपन करना है तो इसको डायरेक्ट कर दे रहा हूँ और उसको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सोनबा टाइपिंग है, इस पर डबल क्लिक करिए या राइट क्लिक करके इसको ओपन कर दीजिए। यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक करना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल को इसको लॉग इन पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे 7वां दिन है तो 7वां यहाँ पे जो पब्लिकेशन है उस पर क्लिक कर देना है। इसमें आपको प्रैक्टिस किसका करना है, तो प्रैक्टिस ऑफ शिफ्ट की विथ ऑल रो, मतलब आपको शिफ्ट के साथ सभी रो की प्रैक्टिस करना है, अपर रो होम रो डाउन रो के साथ, मतलब आपको शिफ्ट की किताब के, क्योंकि जो आपका पहला वर्ड होगा वो कैपिटल होगा, उसके लिए आपको शिफ्ट का प्रयोग करना है। और जो आपका ड्यूरेशन है सेकेंड नंबर में, इसको आपको 5 मिनट रखना है, लेकिन मैं आपके लिए 2 मिनट रखूँगा ताकि आपको बढ़िया से समझा सकूँ कम समय में। उसके बाद स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक कर देना है। देखिए जो शिफ्ट के साथ पे इसको लिखना है, तो शिफ्ट का शिफ्ट दाब के लिखना है आर, उसके बाद AM राम, फिर शिफ्ट दाब के Y ET 8, फिर शिफ्ट दाब के B OY, ठीक है। आपको पहला अक्षर हमेशा शिफ्ट दाब के करना है, ठीक है। ध्यान रहे कि आप भुलाएं नहीं, क्योंकि जो पहला अक्षर होता है वो आप जानते हैं कि हमेशा कैपिटल होता है, ठीक है। इसीलिए इसका मतलब इसमें हर एक प्रकार का टाइपिंग दिया हुआ है, ताकि आप अपने टाइपिंग स्पीड को अच्छे तरीका से ग्रो कर सके। तो आपको ध्यान देते हुए जो कि आपको शुरू शुरू में बहुत मतलब गलती के सामना करना पड़ता है, लेकिन आपको उसे घबराना नहीं है और भागना भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप गलती करेंगे तभी जाकर लास्ट में आपका जो भी है वो सही होगा, ठीक है। आपका जो टाइपिंग करने की स्पीड है उसका क्या होगा, शुरू में थोड़ा क्या होगा, डिले होगा। डिले मतलब थोड़ा लेट होगा, धीरा होगा, लेकिन उसे घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा भी स्पीड बहुत शुरू में हम सब होता ही नहीं था, लेकिन करने के बाद जब मैंने प्रैक्टिस इसका करना शुरू कर दिया तो मेरा टाइपिंग स्पीड है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं धीरे धीरे टाइपिंग करता रहा हूँ, ताकि आप एक एक अक्षर को समझ सके कि कैसे इसको करना है, कैसे खोलना है। तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। देखिए यहाँ पर रेड कर दी, इसके मतलब कि यहाँ पर लिखा था ईजी, इसमें ए था लेकिन मैंने ए छोड़ दिया, इसलिए इसको रेड कर दिया, ठीक है। तो आपको डे सेवन है, हाँ डे सेवन में आपको यही प्रैक्टिस करना है शिफ्ट के साथ। कोई भी की कोई भी आपको वर्ड दाबना है तो आपको शिफ्ट के साथ दाबना है। राम, एट, बॉय, सोन, मोहन, साइकिल, प्रदेश, बिल, विधान, सैडली, हिट, पोर्ट, लॉट, इजी, रूलर, वाइल्ड, ड्रीम्स, मैप, चार्ट, विजुअल नोट, मैन, वैन, यर्न, लोवर, नाइफ, मार्केट, सॉन, संतोष, अशोक, यही वर्ड को आपको बार बार दोहराते जा रहा है, ठीक है। उसके नीचे भी राम, ऊपर भी राम, मतलब यही वर्ड को आपको कम से कम दिन सुबह में 3 बार और शाम को 3 बार प्रैक्टिस करना है। तब जाके जो प्रैक्टिस करने से ही आपको क्या होता है उसको बारे में जानकारी मिलती है, और आपकी जो प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड बढ़ती है किसी भी चीज़ में। मैथ के सवाल में प्रैक्टिस करेंगे तो वो बनाने को आ जाएगा, और इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको टाइपिंग स्पीड बढ़ जाएगी। तो जो आपका टाइपिंग स्पीड यहाँ पे ख़त्म होते हुए, अब आपको देखना है कि मेरा टाइपिंग स्पीड कितना ग्रो किया है, ठीक है। तो आपका नाम दिखाएगा, डेट एंड टाइम बताएगा, लेसन का नाम बताएगा, 7 लेसन था, प्रैक्टिस ऑफ शिफ्ट के साथ आपको ऑल रो सभी रो को प्रैक्टिस करना था, टाइमिंग बताएगा, और ग्रोथ स्पीड से कोई मतलब नहीं है, मतलब है तो एक्यूरेसी 85% आपने सही लिखा है। नेट स्पीड आपकी कितना है, 6 मिनट, 6 वर्ड पर मिनट, अर्थात आपने 1 मिनट में 6 वर्ड लिखा है, क्या 1 मिनट में 6 वर्ड लिखा है। टोटल इधर आपने एक किया है, इजी जो लिखा था इजी, तो मैंने लिख दिया ESY, मतलब ए छोड़ दिया। रिमार्क पुअर, मतलब जो कि आपकी प्रैक्टिस करने की स्पीड है, टाइमिंग की स्पीड है, वो क्या है, थोड़ा ख़राब है, गलत है, ठीक है। और इसको प्रैक्टिस करिए, कम से कम आपको इसको प्रैक्टिस करना है, तब जाके जो आपकी टाइपिंग की स्पीड होगी वो बढ़ेगी। आपको समझाने के लिए मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस किया और एक एक शब्द को बताया। तो यह रहा आपका डे 7, अर्थात क्लास 7। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपने देखते रहे कंप्यूटर टेक संजय, और किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो कमेंट अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।